हेलो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं 2 दिसंबर का करंट अफेयर्स। साथ ही करंट अफेयर्स के साथ हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ जान लें कि कल 1 दिसंबर था, और 1 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है। तो वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उससे आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला सवाल देखते हैं। जो रिसेंटली अर्जुन अवार्ड मिला है वो किसे दिया गया है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, अनस, बी तेजेंद्र पाल सिंह, सी बोथ है ए एंड बी, एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इज सी, तेजेंद्र पाल सिंह तूर एंड अनस, दोनों को अर्जुन अवार्ड इस बार दिया गया है। और अर्जुन अवार्ड कब शुरू हुआ था ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। ये शुरू किया गया था 1961 में। और खेल से रिलेटेड और भी कौन कौन से अवार्ड है। द्रोणाचार्य अवार्ड जो कोच को दिए जाते हैं, अर्जुन अवार्ड खेल में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। तो ये सब आपको ध्यान होना चाहिए। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, 1961 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण कहाँ हो रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए पुणे, बी सालझंडी, सी मिजोरम और डी मेघालय। तो इस सारे ऑप्शन को देखने के बाद हमें पहले तो ये जानना चाहिए कि सूर्य किरण जो है वो किसके किसके बीच सैन्य अभ्यास होता है। तो ये इंडिया और नेपाल के बीच सैन्य अभ्यास होता है। तो ये इस बार सालझंडी में समाप्त किया गया है। सालझंडी कहाँ है, नेपाल में है। तो आपसे क्वेश्चन में इतना डीप तो नहीं पूछना चाहिए, पूछेगा इंडिया में हुआ था या नेपाल में हुआ था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण जो है वो सालझंडी नेपाल में हुआ था। ये कहाँ है, तो नेपाल में। ओके, और नेपाल की आप अभी जो प्रेसिडेंट कौन है, देवी भंडारी, और वहाँ के पीएम कौन है, केपी शर्मा ओली। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। और नेपाल की जो करेंसी है वो क्या है, नेपाली रुपया, जिसकी वैल्यू इंडियन करेंसी के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम होती है। तो 3 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। रिसेंटली फीफा FIFA जो होती है, फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन, ये फुटबॉल की पहली संस्था है और इंटरनेशनल संस्था है। इसमें इंडिया की रिसेंटली रैंक क्या होगी। दोस्ती मैं कुछ दिनों से बता दूँ, ये इसमें इंडिया की रैंक लगातार घटती जा रही है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, पहले ए 194, बी 104, सी 108 और डी 18। तो इसमें फीफा में इंडिया की रैंक क्या होगी, 108। पहले 104 से 102 से 106 हुई, 106 से अब 108 रैंक पे हम लोग पहुँच गए हैं। तो फीफा जो है FIFA, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, ये फ्रेंच नेम है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी कौन है। तो ए जो है IISc बेंगलोर, बी में है IIT बॉम्बे, सी IIT मद्रास, डी IIT दिल्ली। तो इस QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी कौन है, तो ये है IIT बॉम्बे। याद रखिएगा, IIT बॉम्बे जो है वो बहुत रिसर्च और इनोवेशन में बहुत आगे रहता है। और ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी होती है, अमेरिका की एक संस्था है वही करती है। और QS जो है इसकी फुल फॉर्म होती है, पहले तो इसका आंसर होगा बी। और QS जो है इसका होता है क्वाड्रेली सैमोंड्स करके इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। रिसेंटली 2+2 वार्ता भारत और किस देश के बीच संपन्न हुई। तो ये ऑप्शन ए है चीन, बी है जापान, सी मंगोलिया और डी श्रीलंका। तो रिसेंटली 2+2 रिसेंटली की बात हो रही है, मतलब अभी हाल ही में। तो ये भारत पे श्रीलंका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आए हुए हैं, तो आप ये भी ऑप्शन में सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जापान और भारत के बीच में 2+2 वार्ता संपन्न हुई। दरअसल 2+2 वार्ता होता क्या है, 2+2 वार्ता में जनरली डिफेंस मिनिस्टर और विदेश मंत्री या फिर किसी दो बड़े जो मंत्री होते हैं उनको सम्मिलित किया जाता है, ताकि स्ट्रैटेजिक जो भी अपने इंटरेस्ट हों
जो जैसे सुरक्षा हुआ, सुरक्षा हुआ, आपदा हुआ, इन सब चीज़ों पे एक बेहतर समझ के लिए 2+2 का गठन किया जाता है। और ये इनफॉर्मल टाइप मीटिंग मतलब साल में लगभग 2 बार मिलते हैं और सारे चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, और ये बहुत अच्छा मतलब डिप्लोमेसी का बहुत अच्छा रूप है। तो इस हिसाब से इसमें जापान के साथ 2+2 वार्ता भी रिसेंट में ही हुई है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, IIFI में बेस्ट एक्टर पुरुष में किसे अवार्ड दिया गया है। अभी मैं पिछले 2 दिन पहले के वीडियो जो है वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया से थे, तो उसके आगे का सीरीज ये है। दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया पे मैंने पूरे पूरे उसके डिटेल के साथ सारे क्वेश्चंस को एक जगह कलेक्ट किया है, और वो बहुत अच्छा वीडियो होगा। उसमें कलेक्ट करने के साथ मैंने उसकी कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं, तो उसे आप देखना ना भूलें। तो IIFI पुरुष में और बेस्ट एक्टर महिला दो चीज़ें हैं, तो बेस्ट एक्टर पुरुष में अवार्ड किसे दिया गया। ए जो है वो सेव जॉर्ज है, बी कार्लस मरिगेल है, सी रिकार्डो सेलवाती है, और डी लीजो जोस पेलिसरी है। तो इसमें जो है इसका ए इज़ द राइट आंसर होगा। सेव जॉर्ज को बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड मिला। किस लिए मिला है ये देखते हैं। पोर्ट्रेयल ऑफ कार्लोस मरिघेला इन द ब्राजीलियन फिल्म मरिघेल एक ब्राजीलियन फिल्म थी, किस फिल्म के लिए मिला है ये भी देखते हैं। ब्राजीलियन फिल्म मरिघेल थी, उसमें मरिघेल का उन्होंने रोल प्ले किया था, तो उनका नाम क्या है, साउ सेउ जॉर्ज। चलिए आगे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड किसे मिला इस IIFI में। IIFI की शुरुआत कब हुई थी, 1952 ईस्वी में, और ये हर साल कहाँ आयोजित होता है, जो गोवा में। इस बार इसका पार्टनर कंट्री कौन था, रशिया था। ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं। तो बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड किसे दिया गया, उषा जाधव को, और बी कार्लस मरिघेल, सी रिकार्डो सिल्वती, डी लिजो जोस पेलिसरी। तो इस बार उषा जाधव को इसके लिए बेस्ट फीमेल का अवार्ड दिया गया, और उषा जाधव को किस फिल्म के लिए बेस्ट फीमेल का अवार्ड दिया गया है, तो वो है मैघट। मैघट जो है एक मराठी मूवी है, इस फिल्म के लिए दिया गया है। 8वां जो है, IIFI की शुरुआत कब हुई, तो IIFI की शुरुआत होती है, ऑप्शन देखते हैं, ए 1952, बी 1956, सी 1955, और डी 1954। तो इसकी शुरुआत होती है 1952 में, इसकी शुरुआत होती है 24 जनवरी 1952 में, और इसे कौन कौन ऑर्गेनाइज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फिल्म टेलीविज़न एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न एंड गवर्नमेंट ऑफ गोवा। चलिए तो एक स्पेशल क्वेश्चन इसी से है, IIFI में स्पेशल जूरी अवार्ड किसे दिया गया। तो ऑप्शन देखते हैं, ए पेमा तसेदेन, बी उषा जाधव, सी रिकार्डो सेलवाती, और डी लिजो जोस पेलिसरी। इस अवार्ड सेरेमनी में इन सबको कुछ ना कुछ अवार्ड दिया जरूर गया है, तो जो स्पेशल वीडियो इस पे मेरा है वो आप ज़रूर देखें। तो इस हिसाब से अगर देखें तो इसमें स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया पेमा तसेदेन, और चूंकि ये इस बार का 50 साल पूरे हो गए हैं, तो इससे हर क्वेश्चन में एक दो सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे, तो इसके जूरी अवार्ड दिए गए हैं। ए इज़ द करेक्ट आंसर, और पेमा तसेदेन होंगे इसके राइट आंसर। तो स्पेशल जूरी अवार्ड पेमा तसेदेन को इनको किस मूवी के लिए दिया गया था, तो ये तिब्बतन फिल्म, इन्होंने एक बैलून बनाया था इसी के लिए इनको दिया गया है स्पेशल जूरी अवार्ड। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ICTF यूनेस्को गांधी मेडल किसे दिया गया। ये भी एक मूवी को दिया गया है, तो ICTF यूनेस्को गांधी मेडल किसे दिया गया है, तो ये ए रवांडा, बी हेलारो, सी जलीकट्टू, और मैघट। तो इसमें रवांडा इज़ द करेक्ट आंसर, ए जो है रवांडा को दिया गया ICTF यूनेस्को गांधी मेडल, और हेलारो को स्पेशल मेंशन किया गया था इस अवार्ड सेरेमनी में, और जल्लीकट्टू को तो जान ही रहे हैं आप, बेस्ट डायरेक्टर के लिए दिया गया था, और मैघट जो है बेस्ट एक्टर फीमेल के लिए दिया गया था, उषा जाधव इसकी एक्ट्रेस हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया करप्शन सर्वे के अनुसार इंडिया का सबसे अधिक करप्ट स्टेट कौन है। तो ये ए में है राजस्थान, बी में मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, और डी आंध्र प्रदेश। तो ए इसमें ए इज़ द राइट आंसर, राजस्थान जो है सबसे करप्ट स्टेट है, और वहाँ जो है करप्शन सबसे हाई है, तो सबसे हाई रैंक पे कौन है, राजस्थान। तो अगला सवाल हमारे सामने है,
राष्ट्रीय खेल संहिता 2017 के ड्राफ्ट की समीक्षा के लिए गठित टीम के अध्यक्ष कौन है? ए जो है वो एनके सिंह है, बी वाई बी रेड्डी, सी मुकुंदम शर्मा और डी कोई नहीं। तो इसके लिए जो है इसका राइट आंसर होगा मुकुंदम मुकुंदम शर्मा। मुकुंदम शर्मा इज़ द राइट आंसर। राष्ट्रीय खेल संहिता एक ड्राफ्ट कोड बन रहा है, जो भी यहाँ इंडिया में गेम्स होते हैं उसको रीऑर्गेनाइज और अच्छे तरीके से प्रोग्रेसिव वे में करने के लिए, तो उसके जो हेड है वो कौन है? मुकुंदम शर्मा है। तो इसी के साथ वाई एन के सिंह जो हैं 16वें फाइनेंस कमीशन जो बना है, जो 2020 से 25 के लिए रिकमेंडेशन देगी, उसके लिए ये अध्यक्षता कर रहे हैं। वाई बी रेड्डी की अगर बात करें तो ये पिछले फाइनेंस कमीशन के हेड थे और रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं। मुकुंदम शर्मा राष्ट्रीय खेल संहिता 2011 की ड्राफ्ट की समीक्षा के अध्यक्ष हैं। तो ये इसके साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और उचित कमेंट दें ताकि हम अपने इस वीडियो में इंक्लूड कर सकें जो आप चीज़ चाहते हैं। थैंक यू।